चल पोज दे। हाँ, ये वाला लोकेशन देख। हाँ। रुक थोड़ा इधर। बदतमीज, इतनी बड़ी लड़की तुझे दिखी नहीं? इडियट कहीं का। मैडम वो क्या हुआ वो? हाँ, अगर मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो जाती तो तू खरीद के देता मुझे ड्रेस? अरे पिंकी छोड़ ना, तुझे लगता है इस गवार को पता भी होगा हमने कितनी महंगी ड्रेस पहनी है? इसको देख, 100 रुपए का कुर्ता पजामा पहन के खुद को बड़ा हीरो समझ रहा है। कोई औकात है इसकी? शक्ल देख, पूरा भिखारी। सही बोली तू, भिखारी ही होगा ये। हो मैडम, होगी आप लोगों की ड्रेस महंगी, ठीक है? और जिसे आप 100 रुपए का ड्रेस बता रहे हो ना, वो मेरे लिए मेरी शान है। बेशरम है बड़ा ये, तू भैंस के जा रहा है ऐसे? रुक, टोकरी के मजदूर, जा जाके अपनी मजदूरी कर। बड़ा आया, अरे सुन सुन, वो वाला लोकेशन देख, कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ यार, so amazing, हाँ, so beautiful। अरे, हाँ? वो बाइक देख, कितनी सुंदर है। चल वहाँ पे जाके फोटोज लेते हैं। हाँ, चल। चल, हाँ, फोटो ले। बैठ बैठ बैठ, उस पोज दे अच्छा वाला। हाथ रखना यहाँ पे। सही है ना? हाँ। अबे ओ, तुझसे अपना काम नहीं किया जा रहा है क्या? लगता है फिर मार खाएगा। तू रुक। वो मैडम, हो गया वीडियो बनाना, हाँ? तेरी इतनी हिम्मत, तो पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये हमें गंदी नजर से देख रहा है तब से। ओ मैडम, मैं तब से यही देख रहा हूँ कि कब आप लोगों का वीडियो बनाना खत्म हो, समझी? लगता है इसने कभी मॉडर्न या फिर खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं होगी। ओ हाँ, ये तो गांव में रहता है, वहाँ पर तो देहाती और गवार टाइप के लड़की लोग रहती होगी जिनको बात करना भी नहीं आता होगा। ओ मैडम, मानता हूँ कि मैं देसी हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखा, क्योंकि मेरे घर पे भी माँ बहन है, समझी? हाँ, और एक बात, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मॉडर्न हो या ना हो, समझी? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे जुबान लड़ा रहा है। सर, कल जो आपकी फसल बिक गई थी ना, हाँ सर, उसकी पेमेंट आ गई है, आप एक बार चेक कर लीजिए। एक काम कर, इन पैसों को बैंक में जमा करवा दे, मैं बाइक लेकर आता हूँ। ठीक है सर, सर ये आपकी बाइक है? सिर्फ ये बाइक नहीं मैडम, आप जहाँ पे खड़ी हो और जहाँ तक आपकी नजर जाती है वो सारी जमीन मेरी है, समझिए आप? और तुम अपनी अमीरी की धौंस दिखा रही थी, हाँ? मैं आपको देखने नहीं आया था यहाँ पे, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि आप लोगों ने शायद पहली बार बाइक देखी होगी, इसलिए वीडियो बनाने का शौक पूरा होने देता हूँ। आई एम सॉरी, बिना कुछ सोचे समझे हमने कितना कुछ कह दिया आपको, हमें माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी, मैंने तो आप पर हाथ भी उठा दिया। कोई बात नहीं मैडम, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, बल्कि गलती आपके संस्कार की है। एक बात याद रखना, कभी भी किसी के सालेपन का मजाक मत उड़ाना, समझी? और कभी भी किसी को उनके कपड़ों से जज मत करना। राम राम।